लिहारी गन्ना विकास समिति मंगलौर में जनपद हरिद्वार के कार्यालय परिसर में तृतीय वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक का आयोजन हुआ। समिति द्वारा वर्ष 2023 से 24 और 2024 से 25 के लिए तैयार किए गए समिति के प्रस्तावित कार्यकल्पों के अनुमोदन, समिति का नया भवन बनवाए जाने और इकबालपुर सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड रुड़की से परिसंपत्तियों का बंटवारा कराए जाने जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा है कि लिबरहेड़ी सहकारी गन्ना समिति बहुत अच्छा और पारदर्शिता से सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की धामी सरकार गन्ना कृषकों के हितों के प्रति गंभीर है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि चीनी मिलें समय पर गन्ना भुगतान कर रही हैं और किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा है कि वह समिति का भवन बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, हर समिति की, हर सहकारी समिति की, चाहे वो गन्ना समिति हो या कोई भी समिति हो, उसका आय व्यय का जो ब्यौरा है वो प्रतिवर्ष हमारे जो सम्मानित प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जो आते हैं, उनको देना होता है। लेकिन दुर्भाग्य समिति का ये रहा कि इसकी बैलेंस शीट नहीं बन सकी थी। पिछले वर्ष हमने AGM कराई थी, 2011 से 2015 तक की बैलेंस शीट बनाई थी। फिर हमने 2015-16 से 19-20 तक की बैलेंस शीट बनाई है और 5 वर्ष का ब्यौरा यहाँ प्रतिनिधियों के समक्ष रखा है और उन्होंने सर्वसम्मति से पास किया है। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी पधारे थे और चौधरी किरण सिंह जी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो पधारे थे। लिबरहेड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति की जो आम सभा की बैठक थी, मैं इसकी चेयरमैन बहन रेणु जी को और उपाध्यक्ष सरदे माता जी को और जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं उनको और भाई सुशील जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने इस साल का सारा आय व्यय का बेरा जो हमारे गन्ने से जो हमारे जुड़े हुए जनप्रतिनिधिगण हैं, जो आम सभा के मेंबर हैं, उनको दिया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ जितना भी काम है बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत कर्मठता के साथ यहाँ पर किया जा रहा है और सारे गन्ना किसान जो हमारे हैं, इस समिति का जो काम करने का तरीका है उससे प्रसन्न है।